प्रदेश के नर्सिंग कर्मचारियों द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदेश में इन दिनों नर्सिंग कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है। ये कर्मचारी अलग अलग जतन करके राज्य सरकार के सामने अपनी मांगे प्रस्तुत कर रहे हैं। LHV और ANM संघ ऑफ राजस्थान द्वारा ये जन विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। कभी ये लोग सब्जी का ठेला लगाकर सब्जी बेचकर विरोध जताते हैं, तो कभी भैंस के आगे बीन बजा रहे हैं, कभी महिलाएं मेहंदी लगाकर अपना विरोध जता रही है, लेकिन सरकार है कि मौन साधे हुए। आखिर क्या है इसकी वजह? शुभ 24 न्यूज चैनल से पेश है खास रिपोर्ट। LHV और ANM संघ ऑफ राजस्थान की प्रदेश अध्यक्ष कमला मीणा ने बताया कि पिछले कई दिनों से धरने और विरोध प्रदर्शन के बावजूद प्रदेश की गहलोत सरकार के कान पर जून तक नहीं रेंग रही है। अगर सरकार समय रहते नर्सिंग कर्मचारियों की सुध नहीं लेती है, तो उन्हें इस चुनावी साल में खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। जयपुर संघर्ष समिति के अध्यक्ष अनिता मेहरा ने बताया है कि नर्सिंग कर्मचारियों ने विरोध के सारे तरीके अपनाकर देख लिए हैं, लेकिन एक भी बंदा सड़क पर विरोध कर रहे नर्सिंग कर्मचारियों के बातचीत के लिए नहीं पहुंचा है। ऐसे में चुनावी साल में सरकार को बड़ा घाटा पहुंचने वाला है। जहां एक ओर गहलोत सरकार ताबड़तोड़ घोषणाएं करके महंगाई से राहत दे रही है, वहीं इन नर्सेज की जरा भी सुनवाई नहीं की जा रही है। प्रदेश सरकार की दोगली नीति इन कर्मचारियों की समझ से परे है। संगठन की प्रदेश संयुक्त महामंत्री कामना सक्सेना ने भी राज्य सरकार की इस दोहरी नीति की निंदा की है। प्रदेश महामंत्री नफीसा बानो ने चेतावनी दी कि अगर कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा, तो फिर पूरे प्रदेश में एक बड़ी महारैली और जन आंदोलन निकाला जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। वही कोषाध्यक्ष रजनी सोनी का कहना है कि जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी अगर नर्सिंग कर्मचारियों को उनका हक नहीं मिलता है, तो फिर वह सरकार से हड़ताल करने पर मजबूर हो ही जाते हैं। संगठन के उपाध्यक्ष साधना सेन ने बताया है कि ग्रेड पे बढ़ाने को लेकर यह धरना जारी है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा है कि एक थर्ड ग्रेड टीचर से कई ज़्यादा मेहनत करने वाला नर्स को अगर उसका पूरा मेहनत का पैसा नहीं मिलेगा, तो उसका घर कैसे चलेगा। हड़ताल में मौजूद कर्मचारियों से जब हमारे संवाददाता ने बात की, तो उन्होंने कहा कि 24 घंटे ड्यूटी करने के बाद भी अगर ग्रेड पे बढ़ाने के नाम पर ठेंगा मिलेगा, तो हम हड़ताल नहीं तो और क्या करेंगे। देश अध्यक्ष ने राज्य सरकार को चेतावनी दी है कि उनकी वक्त रहते मांगे मान ली जाए, नहीं तो एक महारैली आयोजित की जाएगी, इससे सभी अस्पतालों में काम ठप कर दिया जाएगा और इसके लिए गहलोत सरकार जिम्मेदार होगी। संगठन ने प्रमुख मांगे मांगी है। उनमें से पहली मांग तो यह है कि ANM की जो ग्रेड पे है 2800, उसको बढ़ाकर 3600 ग्रेड पे कर दी जाए। साथ ही LHV की ग्रेड पे है 3600, उसको 4200 की जाए, और जिसकी ग्रेड पे 4800 है यानी 4800 ग्रेड पे, उसको 5200 की जाए। फिर उसके बाद एक मांग यह है कि इन दोनों नर्सिंग संवर का पदनाम भी बदला जाए, यानी LHV और ANM। जनता को समझ में नहीं आता है, केंद्र सरकार जैसे नाम रख रखा है उन्होंने एम्स के अंदर नर्सिंग ऑफिसर, ऐसा ही कुछ नाम यहाँ भी रखा जाए। तीसरी मांग यह है कि प्रदेश के जो 1480 उप स्वास्थ्य केंद्र है, उनको खोलने के लिए वित्तीय स्वीकृति जारी की जाए, यानी नए 1480 उप स्वास्थ्य केंद्र खोले जाए। चौथी मांग यह है कि ANM भर्ती में योग्यता 10वीं है, उसे 12वीं कर दी जाए, ताकि इसका स्टैंडर्ड बढ़ सके। कर्मचारियों ने कहा है कि उन्होंने कोरोना काल में अपनी जान की परवाह किए बिना इंसानियत के लिए अपना खून पसीना बहाकर एक किया था। ऐसे में राज्य सरकार का दायित्व बनता है कि उन्हें उसकी मेहनत का पूरा पैसा दिया जाए। ये सारी मांगे मानकर गहलोत सरकार एक आदर्श सरकार होने का सबूत दे, अन्यथा फिर महारैली और जन आंदोलन तो है ही। शुभ 24 न्यूज चैनल इन सभी नर्सिंग कर्मचारियों की मांगे पूरी करने का समर्थन करता है, साथ ही इनके लिए विशेष प्रार्थना भी करता है कि इनकी जल्द से जल्द मांगे पूरी हो जाए। हमारी तीन मुख्य मांग है जिनके लिए हम 1 तारीख से 1/5/2022 से कंटिन्यू हड़ताल पे बैठे हैं। सही स्मारक पे जिला स्तर पे भी हड़ताल जारी है। हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारा ANM LHV का जो नाम है पदनाम परिवर्तन किया जाए। हम ANM का जो नाम चाहते हैं वो पब्लिक हेल्थ नर्स ऑफिसर, और LHV का जो नाम चाहते हैं वो सीनियर सर्किल नर्स हेल्थ ऑफिसर। और हमारा जो ANM का ग्रेड पे है वो 2800 है। हम 2013 से लगातार 3600 ग्रेड पे की मांग कर रहे हैं। LHV का ग्रेड पे 3600 है, हम 4200 की मांग कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम चाहते हैं कि हमारी समय समय पर पदोन्नति हो। 9, 18, 27 साल पे हमें ANM से LHV से BHS और BHS पे, हाँ BHS से हमें DHS के अंदर प्रमोट किया जाए। तो हम सरकार से लगातार गुहार कर रहे हैं, पर हमारी जो मांग है उन मांगों की तरफ सरकार ध्यान नहीं दे रही है।
हम लोग सरकार से कह रहे हैं कि हमारा पदनाम परिवर्तन किया जाए, जो बिना वित्तीय भार की मांग है। महिलाएं एनम कर्मचारी हैं, जो हमारा एक है कि हमें हर हमारा जो जॉब चार्ट है उसके अंदर हमें कहीं दाई, कहीं बहन जी, कहीं आशा कार्यकर्ता बुलाया जाता है। ये हमारे लिए नर्सिंग कैडर के लिए सम्मानजनक पद नहीं है। इसी पद की हम मांग कर रहे हैं कि हमें बिना वित्तीय भार की जो मांग है पदनाम परिवर्तन, वो हमारा चेंज किया जाए। हम सरकार से बार बार गुहार कर रहे हैं और लगातार सरकार से मांग भी कर रहे हैं, पर सरकार हमारी मांगों को अनदेखा कर रहा है। मैं शीला गोयल, LHM एनम संघ ऑफ राजस्थान श्री गंगानगर से। अभी हमारे कमला मीणा जी हमारे साथ हैं, जो प्रदेशाध्यक्ष हैं हमारे, ये लगातार शहीद स्मारक पे धरना स्थल पे बैठे हुए हैं। हम लोग जिला स्तर पे धरना जारी किए हुए हैं। सरकार से ये मांग है कि हमें एक हमारा लिखित में जो आश्वासन दे दिया जाए कि आपकी हम ये मांग पूरी करते हैं, तो हम ये हमारा जो धरना है वो खत्म कर सकते हैं, नहीं अन्यथा ये हड़ताल हमारी जारी ही रहेगी।